हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में मेरे प्रिय छात्रों ये जो है कि आपका अध्याय तीन चल रहा है जो कि अध्याय तीन में हम लोग प्रश्नावली जो है कि थ्री पॉइंट वन का जो है पूरा सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो प्ले में जाइएगा प्ले में प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पर सेव किया गया है वहाँ पर डेट वाइज वीडियो आपको जो है प्ले में मिल जाएगा बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली थ्री पॉइंट टू आ थ्री पॉइंट टू में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे बेसिक चीजें और बेसिक चीजें में आपको सब कुछ बताया गया था और वो क्या क्या था दो च, जो है कि दो चर वाले जो है कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बताया गया था जो कि आपके दो होते हैं और उसमें संगत और संगत बताया गया था और जो है समांतर और समांतर बताया गया था और उसके जो है कि हल भी बताए गए थे और जो है कि दोनों समीकरण का जो है कि अनुपात भी बताया गया था कैसे आप सोलूशन सवालों का करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ प्रश्न नंबर एक और दो का सोलूशन जो कि आपका ग्राफ है और हाँ मेरे प्रिय छात्र जिस तरह से ग्राफ जो है प्रश्नावली थ्री पॉइंट वन का सोलूशन मैं कराया हूँ वही प्रोसेस सेम आपका चलेगा इसमें भी स्टेप इस बाय स्टेप आप जो है प्रश्नावली थ्री पॉइंट वन का ही जो है कि बेस आप लेकर चलेंगे वही आपका आधार बनेगा तो उसमें हम लोग प्रश्नाली थ्री पॉइंट वन में हम लोग कर क्या रहे थे हम लोग का दो समीकरण बन रहा था प्रश्न के अनुसार जो है कि दो समीकरण फाइंड हो रहे थे और दोनों समीकरण से हम लोग बिंदु निकाल रहे थे और उन्हीं बिंदुओं से हम लोग को बनाना था क्या ग्राफ तो वही प्रोसेस से मैं आपको इसमें चलना है प्रश्न नंबर एक और दो में और हाँ प्रश्नाली थ्री पॉइंट टू में जो बेसिक चीजें हम लोग पढ़े थे संगत और संगत का उसका जो सोलूशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे प्रश्नों का सोलूशन करेंगे जो कि आपके प्रश्न नंबर तीन से जो है कि स्टार्ट होगा तो प्रश्न नंबर दो जो है प्रश्नवाली थ्री पॉइंट वन के आधार पर है तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर एक और दो का सोलूशन देखेंगे जो की प्रश्नवाली थ्री पॉइंट टू की है ठीक है और हाँ शुरू से लेकर अंत तक जो है कि वीडियो को देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ठीक है चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर एक में प्रश्न क्या दे रखा है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन में दे रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके ग्राफी विधि से

कक्षा दस के दस विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए आपसे करें कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है इसमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में करें कक्षा दस के दस विद्यार्थी थे कितने विद्यार्थी थे दस तो किसी भी कक्षा में यदि दस विद्यार्थी होंगे

माना कि लड़कियों की संख्या ठीक है लिखने में समय लगेगा लड़कियों की संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं कि जो लड़कियों की संख्या थी कितनी थी यक्स थी और जो है लड़के भी तो है उसमें और लड़कों की संख्या मान लेते हैं लड़कों की संख्या आपकी कितनी है वाई इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको लिखकर बता दिए कि मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या आपकी x हो गई और जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है y है कन्फर्म है इतना अब इसके बाद प्रश्न के अनुसार देखिए यानी कि प्रश्न के अनुसार ये क्या कह रहा है कह रही कि यानी कि टोटल जो लड़के और लड़कियां हैं यानी टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ने के बाद आपका कितना टोटल फाइंड हो रहा है दस तो यहां पर हम लोग करेंगे प्रश्न के अनुसार कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या जोड़ रहे हैं हम लोग तो कितना मिल रहा है टोटल संख्या कितनी है दस क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कक्षा दस में दस विद्यार्थी तो उसमें तो लड़के भी शामिल होंगे और लड़के भी शामिल होंगे ठीक है यानी कि लड़की और लड़के भी शामिल होंगे ये तो आपका कंडीशन नंबर वन था अब ये दूसरे में क्या कह रहा है वो समझिए इसके बाद दूसरी कर दूसरी शर्त में करिए फर्स्ट ये पहली किस्त थी ये पहला प्रतिबंध था और दूसरा प्रतिबंध में क्या कह रहा है कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्वेश्चन में आपका दे रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक है ध्यान दीजिएगा जो लड़कियों की ये संख्या है मेरे प्रिय छात्रों लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या चार अधिक है जब लड़कियां पहले से चार अधिक हैं तो लड़कों के भी बराबर करने के लिए लड़कों में कितना लड़के जोड़ने पड़ेंगे चार लड़कों को ऐड करना पड़ेगा या तो आप लड़कियों में से चार लड़कियों को क्या कर दीजिए घटा दीजिए देखिए दूसरे केस में कह रहा है यहाँ पर पहले इक्वेशन हम लोग बराबर करते हैं ठीक है दिया है यहाँ पर क्या दे रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है दिया है दूसरी शर्त में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है ठीक है यानी कि दे रखा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से चार अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने है दिखे चार तो यहां पर आपके प्रश्न के अनुसार बनेगा फिर मैं प्रश्न अनुसार लेता हूं कि लड़कियों की संख्या यहां पर स्टेप बाई स्टेप आपको जो है कि पेपर में भी लिखना पड़ेगा ठीक है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। लड़कियों की संख्या की संख्या इजकल टू लड़कों की संख्या ठीक है लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है करें कि लड़कियों की संख्या जो है आपकी पहले तो एक्स थी लड़के कितने थे वाई थे लेकिन इसमें दे रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक है यानी कि ये जो लड़कियां हैं लड़कियां हैं टोटल कह ये जो एक्स लड़कियां हैं लड़कों से ये चार अधिक है लड़कियां लड़कों से चार अधिक है और इक्वेशन हम लोग बराबर करना है तो इक्वेशन बराबर करने के लिए लड़कों में भी कितना जोड़ना पड़ेगा चार तभी तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगे क्योंकि जब लड़कियां अधिक हो जा रही तब तो, तो हम लोग बराबर चाहिए ना कि लड़कियां जब चार अधिक हैं तो लड़के भी कितने चाहिए चार तभी तो बराबर होगा ठीक है अब देखिए या तो इसमें से या इधर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो जब लड़कियां चार अधिक है तो चार इसमें से क्या कर दीजिए घटा दीजिए तभी क्वेश्चन आपका बराबर हो जाएगा ठीक है इस तरह से ही बराबर हो जाएगा या नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए लड़कों में भी लड़कों कितना जोड़ दीजिए चार इतना कंफर्म है अब यहां से ये बना यानी x प्लस इसको y वालों को एक तरफ कर दीजिए नहीं है तो ठीक है यानी x y बराबर कितना हो गया 4 इक्वेशन नंबर कितना बना दो यानी समीकरण नंबर कितना बन गया दो दो समीकरण बन गया ना अब दोनों समीकरणों से हम लोग निकालेंगे क्या वैल्यू फाइंड करेंगे ठीक है चलिए तो अब समीकरण एक से लेते हैं हम लोगों को तो ग्राफ बनाना है ना हर हाल में समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है आपका x y 10 यहां से हो जाएगा वाई बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा दस माइनस एक्स बन गया अब यहां से हम लोग बना लेते हैं क्या ग्राफ़ ठीक है थीके? तो ये इसमें हो जाएगा x इसमें क्या हो जाएगा y अब इसमें y बराबर है क्या y बराबर जितना है मैं उतना रख लेता हूं y बराबर है 10 माइनस एक्स इतना कन्फर्म है कि नहीं ठीक है इतना आप लोग समझ में आ रहा है ठीक है ना अब इसके बाद हम लोग एक्स और वाई का मान रखना है एक्स और वाई क्या रखना है मान तो इसमें मान लेते हैं कि का मान दो रख दें तो इसमें जब मान लेते हैं एक्स का मान दो तो जब x का मान इसमें दो रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 10 में से दो x का मान दो रखा जा रहा है तो 10 में से दो घटेगा कितना हो जाएगा 8 ठीक है इतना इसके बाद इसमें आप हां देखिए आप कुछ भी रख सकते हैं ये जरूरी नहीं कि मैं इतना रख दो आप इतना ही रख रहे आप लोग जो थ्री पॉइंट वन में आपको मैं कंफर्म बताया था कि कैसे आप करेंगे हम जो है कि अलग भी रखे थे और फिर दोबारा भी अलग रखे थे यानी अलग अलग अंक रख कर जो है कि हम लोग हल किए थे तो आपका ग्राफ सेम बन रहा था ठीक है तो आप भी कुछ भी अंक यहाँ पर रख सकते हैं पांच तीन दो कुछ भी अंक रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर तीन ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ तीन आप कुछ और भी ले सकते हैं पाँच भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर दस में से अब का मान तीन हो गया तो दस में से तीन घटेगा कितना हो जाएगा सात ठीक है ना आप कुछ भी रख सकते हैं पांच भी तीन की जगह पांच भी आप रख सकते हैं ठीक ना अब यहां से तो समीकरण एक से हो गया अब वही सेम प्रोसेस आपको लेकर चलना है किसमें समीकरण दो में यहां पर लिखते हैं समीकरण आपका से दो से तो मेरे प्रिय छात्रों समीकरण दो है x प्लस वाई बराबर कितना है चार तो यहां से आपका y बराबर हो जाएगा चार माइनस एक्स यहां पर इक्वेशन यहाँ मिस्टेक हुआ है वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये यह माइनस हो जाएगा ना माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा चार और ये एक्स प्लस से इधर जाएगा तो माइनस माइनस गुणा कर दे तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस चार हो जाएगा a प्लस एक्स इतना वाई बराबर आ गया माइनस चार एक्स प्लस एक्स इतना कन्फर्म है ना वाई बराबर माइनस चार प्लस एक्स ठीक है इसके बाद हम फिर बनाएंगे इसका ग्राफ इसका वैल्यू फाइंड किया जाए जब हम लोग मान निकालेंगे तो मिलेगा क्या वो देखिए, ये हो इसमें x हो जाएगा इसमें आपको हो जाएगा y बराबर हो जाएगा माइनस चार और प्लस एक्स इतना कन्फर्म है अब इसमें y का मान पुट करना है सॉरी एक्स का मान पुट करना है ना किसका पुट करना है x का मान x का मान कुछ भी पुट कर लीजिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी रख लीजिए ठीक है तो यहां पर मैं वन रख लेता हूं तो वन जब मैं रखूंगा तो एक्स का वैल्यू वन रखना है तो ये माइनस चार हो जाएगा ये प्लस वन हो जाएगा तब तो घटेगा तो ना और घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा तीन यानी कि है UH, कि माइनस चार में से यदि एक हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस तीन होगा अब यहाँ पर मैं रख लेता हूँ दो माइनस में भी रख लेंगे तो माइनस दो रखेंगे तो यहाँ पर माइनस चार और माइनस दो कितना हो जाएगा आपका माइनस छः हो जाएगा ना लेकिन मैं प्लस में रख लूँगा ताकि छोटा मान हम लोग का हो जाए ठीक ना आप माइनस में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सेम मान आएगा दो एक्स का मान दो जब रखेंगे तो माइनस चार और प्लस दो तो घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा दो इतना कन्फर्म चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी ठीक है इतना तो कन्फर्म हुआ और हाँ स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या हम लोग कर रहे हैं बार बार क्या प्रोसेस आपका चल रहा है ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या ग्राफ यहाँ पर मैं ग्राफ लिख लेता हूँ ठीक है ये x का प्लस है और इस साइड x का माइनस हो जाएगा इस साइड x का y का माइनस हो जाएगा और इस साइड y का क्या प्लस ये कन्फर्म हुआ तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ बना दिया हूँ ठीक है ये प्लस है एक्स एस पे प्लस और ये वाई एस पे प्लस है यहाँ पर आप अंक भी रख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अंक भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जो है कि मैं रख दिया हूँ यहाँ पर अंक को जो है कि अंकित भी कर दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो तो हम लोग जब दर्शाएंगे ठीक है यहाँ पर देखिए ये बिंदु है ये क्या है बिंदु यहाँ पर हम लोग बिंदु निकला है दो और आठ और दूसरा है तीन और कितने का सात का इसमें आपका निकला है वन और माइनस थ्री है दूसरा है दो और आपका है माइनस दो ठीक है ना अब इसमें आप करना क्या है पहले इसमें चलिए दो और आठ पहला वैलू हम लोग जानते हैं पहला वैल्यू एक्स का होता है दूसरा वैल्यू वाई, वाई का तो एक्स एच पे कितना खाना चलना है दो खाना और वाई एच पे आठ खाना तो इसमें आता है एक्स एच पे दो खाना और वाई एच पे आठ वाई एच वाला ये है प्लस वाला तो इसके सीधे में हम लोग आ जाएंगे ठीक है ठीक है ना आप स्केल से रखेंगे तो आपका सीधा आएगा मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये आपका हो गया कितने का दो और आठ का इतना कन्फर्म है दूसरी बात करें तीन और सात तो x एच पे आपको तीन खाना चलना है y एच पे सात यानी कि दोनों प्लस में है तो आपका पहले में ही पड़ेगा तो एक्स एच पे तीन तो तीन हो गया सात बोलिए ठीक है कंफर्म है ना ये आपका हो गया x एच पे तीन y एच पे सात ठीक है अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे मिला देंगे तो हम लोग अभी मिलाएंगे इसके बाद दूसरा बिंदु हम लोग दर्शा लें ठीक है थीके? ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में तो आ रही होंगी ना ठीक है अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिए अगला बिंदु क्या क्या है एक और माइनस तीन यानी कि एक प्लस है एक माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस कौथे में पड़ता है यानी कि प्लस और माइनस कौथे में पड़ता है यहाँ पर देखिए मैं अंकित कर दे रहा हूँ प्लस और प्लस होता है ठीक है इसमें आपका माइनस प्लस होता है और इसमें आपका होता है दोनों माइनस ठीक है और इसमें आपका होता है प्लस और क्या माइनस जब प्लस और माइनस रहेगा ठीक है जब प्लस और माइनस रहेगा तो आपका आएगा चौथे पहला दूसरा तीसरा और क्या चार नंबर यानी चार नंबर में आपका ग्राफ बनेगा तो एक्स एच पे एक खाना चलना है प्लस तो एक खाना यहां पर हो गया वाई एच पे माइनस तीन माइनस में तीन यानी कि यहां पर तो हम लोग बने ग्राफ यहां पे ठीक है आपका ग्राफ बना यह कटान हो गया कितने के माइनस थ्री का यह क्लियर है अब इसके बाद क्या करना है दो दो है ना यानी एक्स पे दो वाई पे दो, दोनों पे दो दो चलना है देखिए एक्स पे दो वाई पे दो माइनस में यहां पर हो गया यानी कि ये, ये आपका दो हो गया और ये माइनस कन्फर्म है ना अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे दोनों क्या करेंगे मेरे प्रिय छात्रों मिलाएंगे मिलाने के बाद जहाँ पे आपका ग्राफ बनेगा वही आपका क्या होगा बिंदु ठीक होगा, है तो चलिए मैं मिला लेता हूँ ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम जो है ग्राफ को जो है कि मिला दिए ठीक है यहाँ पर ग्राफ को मिला दिया गया है यहाँ पर देखिए ये मिट भी गए ठीक है चार और कहीं ये मिट गया है तो आप ज़रा जो है कि स्केल से मिलाएंगे ना तो एकदम जो है कि आपका करेक्ट बनेगा ठीक है थोड़ा मेरा ये टेढ़ा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है आप जो है कि स्केल से यदि मिलाते हैं तो आपका बिल्कुल जो है कि आपका करेक्ट आंसर फाइंड होगा ठीक है तो ये मैं जो है कि हाथ से मिलाया हूँ मेरे पास स्केल नहीं है उतना बड़ा कि जो है कि मैं मिला सकूँ तो ये जो आपका ये जो रेखा है ये जो आपकी रेखा है यह किस समीकरण का रेखा था इस समीकरण का ना तो यानी कि ये समीकरण था ये जो आपकी रेखा है यह समीकरण है इसकी रेखा है एक्स प्लस वाई बराबर दस आज जो दूसरा ये और लड़कियों की जो है संख्या कितनी होगी वो भी ग्राफ विधि से किस विधि से ग्राफ विधि से जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है वहीं पर वैल्यू फाइंड होगा ध्यान दीजिएगा जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है वहीं पर वैल्यू इसका फाइंड होगा तो दोनों के रेखाओं का कटान बिंदु ये है ना तो आपको अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर देखना है कि ये जो आपका बिंदु दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है वहाँ पर कौन कौन से मान आपके फाइंड हो रहे हैं तो आप स्केल से क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे ऐसे ठीक है और यहाँ से इसको स्केल रख के मिलाएंगे और देखेंगे कि ये बिंदु कितने कितने का है तो देखने में मिल रहा है हम लोगों को कि एक्स एच पे सात खाना है और वाई एच पे कितना है तीन एक्स एच पे सात खाना चल रहा है और वाई एच पे कितना तीन खाना चल रहा है ठीक है इसका मतलब कि जो एक्स एच पे कटान बिंदु है वह किसको माना वैल्यू किसको माना माना गया गया था था एक्स एक्स लड़कियों की संख्या ना तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई एक्स एच पे जो एक्स जितना वैल्यू एक्स एच वाला होगा वह लड़कियों की संख्या होगा और जो वाई एच वाला होगा वह किसका होगा लड़कों की संख्या तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे मेरे प्रिय छात्रों कि यहां पर एक बार लिख लेंगे ऐसे ठीक है कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर ये बताइए लड़कियों की संख्या कितनी मानी गई थी x ना लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो कटान मिल रहा है दोनों रेखाओं का x एच पे कितना खाना मिल रहा है सात खाना x एच पे सात खाना तो यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी सात और बात करते हैं लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या तो जो लड़कों की संख्या है वो कितनी मानी गई थी y लेकिन लड़कों की संख्या y थी ठीक है लेकिन y अक्ष पे कितना वैल्यू फाइंड हुआ है दोनों का कटान पे दोनों कटान पे y का मान कितना है तीन यानी ए x हो गया ये y तो आपका y का मान कितना मिल गया तीन तो ती यानी कि ये हो गया आपका लड़कियों की लड़कों की संख्या कितनी हो गई तीन तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका टोटल आंसर फाइंड हुआ है यानी कि लड़कियों की संख्या आपकी सात हो गई और लड़कों की संख्या कितनी हो गई आपकी तीन तो ये हम लोग का टोटल आंसर फाइंड हुआ तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है और हाँ ये आप स्केल से बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट आंसर फाइंड होगा मैं यहाँ पर जो है कि हाथ से बनाया हूँ तो थोड़ा आपका ये जो आपका सेंटीमीटर मैं खींचा हूँ कोई अधिक कोई कम भी हो गया है इसीलिए थोड़ा खींचने में भी यहाँ पर हाथ से मैं खींचा हूँ तो ये टेढ़ा भी थोड़ा हो गया है लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा और हाँ एक बात याद रखिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं का मान यहाँ पर दो रखा हूँ यहाँ पर तीन रखा हूँ तो आप दो और तीन ही रखेंगे आप कुछ और भी मान रख सकते हैं आपका आंसर करेक्ट आएगा थोड़ा सा भी गलत आपका नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पर भी मान हम एक और दो रखें तो आप कुछ और भी रख सकते हैं जीरो भी रख सकते हैं माइनस एक भी रख सकते हैं माइनस दो या पाँच भी रख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा तो उम्मीद है कि मेरे प्रिय छात्रों आप ये क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ ठीक है तो चलिए ये जो है कि आपका प्रश्नौली थ्री पॉइंट टू का प्रश्न नंबर दो जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जो कि आपका प्रश्नाली थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर तीन सॉल्व कराया जाएगा जिसमें हम लोग जो है कि जब पर्शनॉलिटी थ्री पॉइंट टू को स्टार्ट किए थे तो उसमें एग्जाम्पल जो चलाया गया था वही सेम प्रोसेस आपका अगले वीडियो में चलेगा और प्रश्नों का मैं सोलूसन भी कराऊंगा ठीक है चलिए ब और हाँ क्वेश्चन नंबर दो को सोल्यूशन करने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे प्रश्न प्रश्नावली थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री प्रश्नावली यदि आप थ्री पॉइंट वन का जो है यदि क्वेश्चन नंबर आप थ्री यदि पढ़े होंगे तो आप खुद सोलूशन इसका कर लेंगे ठीक है लेकिन मैं एक बार फिर इसका मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ इस वीडियो में भी ठीक है ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो हो सकता है कुछ बच्चे जो है कि आप जो है कि थ्री को यदि पढ़े ना हो तो उन लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा करे पांच पेंसिल तथा सात कलम कलमों का मूल्य आपका पचास रुपया है करीब पांच पेंसिल सात कलम का मूल्य यानी कि पांच पेंसिल मैं लिख लूँगा तो बाद में लिखूँगा ठीक है पांच पेंसिल तथा सात कलमों का मूल्य पचास रुपया है जबकि सात पेंसिल तथा पांच कलमों का मूल्य छियालीस रुपया है तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए आपसे पूछ रहा है कि एक पेंसिल क्या पूछ रहा है मेरे छात्रों एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य आपसे पूछ रहा है एक पेंसिल ना तो मान लेते हैं भैया कि माना एक पेंसिल मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो मूल्य है कुमूल्य कौन रुपया है सॉरी एक सौ एक रुपये लिख रहे हैं हम एक सौ रुपया रुपया एक्स देखिए देखिए यदि जिससे मान लीजिए हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं यदि दस पेन पाँच पेन का यदि का पचास पेन यदि खरीदते हैं और टोटल जो दाम होता है यदि सबसे पहले हम लोगों को यदि दुकानदार कहता है कि आपका इतना हुआ जिससे मान लीजिए हम लोग पे दस पेन खरीदें और दस पेन के लिए हम लोग कितना रुपया लो देना पड़ा सौ रुपये देना पड़ा यदि दस पेन खरीदते हैं दस पेन के लिए हम लोग कितना रुपया देना पड़ा सौ रुपये देना पड़ा सौ रुपये देना पड़ा ना तो सबसे पहले हम लोग को ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर में एक पेन कितने का पड़ा एक पेन कितने का पड़ा तो दस दाही है सौ यानी एक पेन कितने रुपये का दस तो वही आपका किया गया कि सबसे पहले एक पेन का आप निकालिएगा कितने पेन का एक पेन का तो आपको उसके बाद जो है कि पचास पेन साठ पेन सत्तर पेन लेना हो तो आसानी से आप दाम निकाल सकते हैं कि आपको कितना टोटल होगा पहले आपको सबसे पहले एक पेन का मालूम होना चाहिए कि एक पेन का कितना होगा ठीक है तो वही बात यहां पर है मेरे प्रिय छात्रों सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का जो मूल्य है आपका एक सौ रुपया है एक पेंसिल का मूल्य एक सौ सुरु, रुपया हो गया इसके बाद आपका पेन भी तो है आ कलम कलम का मूल्य ठीक है और एक कलम ना कितना कलम है एक कलम लिख दे रहा हूं एक कलम का मूल्य कौ रुपया हो गया वाई रुपया अभी तो समझ में आया ना का प्रश्न कह रहा है एक पेन का मूल्य जो है एक पेंसिल का मूल्य एक सौ रुपया है और एक पेन का मूल्य कितना है वाई रुपया लेकिन पहले शर्त में यह दे रहा है मेरे प्रिय छात्रों कि सात पेन कितना पेन सात पेन कितना पेन है सात पेन नहीं है हाँ सात पेन यानी सात कलम है आप पांच पेंसिल लें दूसरे शर्त में कह रहा है कि पांच पेंसिल पांच पेंसिल का मूल्य शर्त के अनुसार यानी कि दूसरी पहली शर्त में कह रहे कि पांच गो पेंसिल आज जो है कि सात गो कलम का मूल्य टोटल आपका कितना हो जा रहा है पचास रुपया तो लेंगे यहां पर एक पेंसिल का मूल्य एक सौ रुपया है तो पांच गो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा पांच एक सौ होगा कि नहीं होगा समझ में आया अब उसी तरह से एक कलम का मूल्य यदि रुपया है तो सात कलम सात कलम का मूल्य कितना हो जाएगा सात वाई होगा कि नहीं होगा समझ में आया ना जितने यानी कि एक पेन का मूल्य यदि रुपया है तो यदि पेन का कहता है तो से वाई में गुणा कर दीजिए एक पेन के मूल्य में क्या कर गुना कर दीजिए दीजिए गुणा तो वही है एक पेन का मूल्य यदि वाई रुपया है तो सात पेन का निकालेंगे तो सात सेवाई में गुणा कर दीजिए यदि बीस पेन का निकालना पड़ेगा तो बीस सेवाई में गुणा कर दीजिए और यदि चालीस पेन का निकालना पड़ेगा तो चालीस से जो है कि वाई में क्या कर दीजिए गुणा ये तो पहली शर्त हो गई लेकिन पहली शर्त में प्रश्न के अनुसार हम लोग लेते हैं तो क्या मिलता है ज़रा वो समझ लीजिए प्रश्न ये कहता है कि पांच पेंसिल और सात कॉलम का ये जो मूल्य आपका निकल कर आया है ये जो मूल्य आपका निकल कर आया है इन दोनों का यदि पैसा हम लोग जोड़ रहे हैं ना पैसा जब जोड़ा जा रहा है तो पैसा जोड़ने के बाद टोटल पैसा कितना हो रहा है पचास रुपया हो रहा है समीकरण नंबर कितना इक्वेशन तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है ठीक है ये तो पहली शर्त थी आप प्रश्न के अनुसार भी ले लिए लेकिन दूसरी शर्त में ये कह रहा है ना दूसरी शर्त में ये दे रहा है कि सात गो पेंसिल और पांच गो कलम अब कितना पेंसिल कह रहा है सात पेंसिल अब पांच गो कलम उल्टा कर दे रहा है इसी को तो यहां पर हो जाएगा सात पेंसिल का मूल्य तो अब ये बताइए सात पेंसिल का मूल्य कितना एगो पेंसिल का मूल्यक्स रुपया है तो सात पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा सात एक होगा कि नहीं होगा ठीक है उसी तरह से अब पर पांच कलम का मूल्य कितने कलम का मूल्य पांच कलम का मूल्य कितना हो जाएगा वाई रुपया समझे ना अब प्रश्न के अनुसार तुरंत उठाइए इसको प्रश्नानुसार ठीक है प्रश्न ये कह रहा है कि जब दोनों का मूल्य जोड़ा जा रहा है ना तो दोनों का मूल्य जोड़ रहा है तो कितना पैसा वो दे रहा है छियालीस रुपया तो यानी कि सात यक्स प्लस पांच वाई बराबर कौ रुपया छियालीस रुपया समीकरण में कितना बन गया दो। दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे ना ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बिंदु तो सबसे पहले हम लोग बिंदु क्या करें निकालने तो बिंदु निकालेंगे चलिए हम लोग बिंदु निकाल कर देखते हैं कितना कितना आपका होगा तो इस पहले समीकरण एक से पहले ले लीजिए समीकरण से समीकरण एक से तो समीकरण एक आपका दे रखा है पाँच एक्स प्लस सात वाई बराबर कितना है पचास तो यहाँ से आपका सात वाई हर हाल में हमको वाई का मान निकालना है ना y बराबर हो जाए पचास ये x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस पाँच एक्स अब यहां से हो जाएगा y बराबर हो जाएगा पचास माइनस पाँच यक्स बटा में कितना सात अब हम लोग क्या बनाएंगे वैल्यू फाइंड करेंगे ना अब यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं इसका क्या मान ठीक है चलिए मान फाइंड करें इसमें x हो जाएगा नीचे वाला में y तो का वैल्यू तो y का वैल्यू है पचास माइनस पाँच एक्स बाटा में कितना है सात कन्फर्म है अब यहाँ पर वही प्रोसेस पीछे वाले में आप लोग बताया गया था जैसे यदि याद होगा तो आप लोग खुद कर लेंगे ठीक ना लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अब यहाँ पर यक्स का मान इसमें ऐसा रखिएगा यक्ष का मान यहाँ पर आपको ऐसा रखना है कि आसानी से सात से डिवाइड हो जाए आसानी से सात से क्या हो जाए डिवाइड तो मैं तीन रख लेता हूँ कितना तीन मैं रखा हूँ ठीक ना तब तो मैं रख ले रहा हूँ आप भी ऐसा मान रखिएगा ताकि आसानी से वो क्या हो जाए कट जाए आसानी से कटना चाहिए ठीक ना तो यदि हम लोग तीन रखते हैं तो पानते पंद्रह आप पंद्रह में से सॉरी पचास में से यदि पंद्रह घटाएंगे तो कितना हो जाएगा पैंतीस होगा आप पैंतीस को जो है इस सात से घटाइए तो सात पचे पैंतीस पांच हुआ कन्फर्म है ये इतना समझ में आया ठीक है तो आपका कितना एक्स का मान यदि तीन रखते हैं हम लोग तो वाई का मान कितना के? पांच हाँ आपको ऐसा रखना है कि वो कट जाए ऐसा रखना है कि वो कट जाए यहां पर तीन के अलावा यदि कुछ और भी अंक रखने के बाद ये कट जा रहा है तो आप कुछ और भी अंक तीन को छोड़ा कर कोई और भी यदि अंक रखने के बाद ये कट रहा है यानी कि गुणा भाग यानी कि ये गुणा करने के बाद घटाने के बाद यदि सात से डिवाइड हो जाता है तो आप वही अंक रखेंगे ठीक है कन्फर्म हुआ इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लोग रख लेते हैं आ, दस कितना रख लेते हैं दस तो यदि हम लोग दस रखते हैं तो दस पचे पचास अब पचास में से पचास घटा जीरो और सात से जीरो में भाग कितना जीरो ठीक है थोड़ा ये डिवाइड वाला हो गया थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है आपको ढूंढने में भी अंक आपको जो है कि डिफिकल्ट होगा तो इसलिए जो है मैं तीन रखा हूँ एक में आपको क्या रखा गया है दस रखा गया है ठीक है ना तो यहाँ पर उम्मीद होगी समझ में आया अब आगे बढ़ते हैं ये तो आपको बिंदु मिल गया इसका बिंदु है तीन और पांच और इसका है दस काम कितना जीरो अब जरा दूसरे से लेते हैं समीकरण क से समीकरण दो से ठीक है ना तो यहां पर बात करते हैं समीकरण दो से समीकरण दो से तो समीकरण दो दे रखा है एक दो ये है ना समीकरण दो दे रखा है सात एक्स प्लस पांच वाई बराबर कितना है छियालीस यहाँ पर पांच वाई बराबर हो जाएगा एक्स को अलग को उधर भेज दीजिए तो छियालीस माइनस सात एक्स हो जाएगा और ये वाई बराबर हो जाएगा छियालीस माइनस सात एक्स बाटा में कितना पांच कन्फर्म है अब यहाँ पर जरा वैल्यू फाइन कर लीजिए ठीक है तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा मान जरा गौर से आप समझते रहिए ठीक है यहाँ पर वाई का वैल्यू फाइंड हुआ है हम लोगों का छियालीस माइनस सात एक्स बटा में कितना पाँच और इसमें आपको रखना है किसका वैल्यू एक्स का अब यहाँ पर देखिए फिर आप जो है यहाँ पर x का मान ऐसा रखिए कि आसानी से ये कटने घटने के बाद आसानी से पाँच से कट जाए आपको ऐसा वैल्यू रखना है तो यहाँ पर हम लोग यदि कितना रखते हैं तीन तो तीन तो मैंने रख दिया क्या तीन रखने के बाद घटाने के बाद कट रहा है कि नहीं कट रहा है मिलाइएगा पहले तो ये हो जाएगा तीन सत इक्कीस यहाँ पर तीन रखेंगे तो तीन सत इक्कीस यानी कि छियालीस माइनस इक्कीस बाटा में पाँच होगा अब ये घटाएंगे तो छः में से एक घटा आपका पाँच हो जाएगा दो में से दो घटा दो पाँच पचे पच्चीस कितना आया कट करके ठीक है ये आपको ज... समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको आप सोचने लगते हैं ज्यादा कि यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे आसानी से ये कट जाए थोड़ा सोचने में दिक्कत होती है ठीक ना ये आप सोच कर रखना पड़ेगा मान कि क्या रखें कि आसानी से जो एक पाँच से डिवाइड हो जाए और हाँ एक बात याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि आप इतना रख रहे हैं तभी हो रहा है आप कुछ भी मान रखेंगे तो पॉइंट में आएगा आप पॉइंट में आएगा तो आपका स्केल में छोटा छोटा खाना होता ही है यानी कि दस खाना बराबर एक सेंटीमीटर होता है ना यानी कि दस रुपये एक सेंटीमीटर हो जाता है तो खाना होता है ना छोटा छोटा यानी ग्राफ आप रहेगा तो उस पर आपको अच्छा आपका जो है कि अच्छी तरह से बनेगा तो आप जो है कि यहाँ पर हम लोग ऐसा रख रहे हैं कि डिवाइड हो जाए क्यों क्यों ऐसा मैं रखवा रहा हूँ इसे मैं रखवा रहा हूँ कि आपका जो है ग्राफ जो एक पेपर में मिलता है ग्राफ नहीं है ग्राफ इसलिए पेपर में जो है ग्राफ पेपर में आपका नहीं मिलता है इसलिए जो है मैं ऐसे आपका सोलूसन करा रहा हूँ ताकि आपका ये अच्छी तरह से कट जाए तो आपका जो है कि मान जो है कि आपका अच्छी तरह से फाइंड हो जिससे पॉइंट में आपका वैल्यू ना मिले जैसे पाँच मिले छः मिले सात मिले ऐसे क्योंकि यदि ग्राफ मिलता तो आसानी से उसमें जो है खाना जो रहता है उसे भी दर्शाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा लेकिन ग्राफ हम लोग को नहीं मिलता है इसलिए आपको ऐसा मान रखना पड़ेगा ताकि वो आसानी से पान से कट जाए अब ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यदि नहीं कटता है तो क्या करेंगे ऐसा नहीं है कोई वैल्यू आप ऐसा नहीं रखें ऐसा ये क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर ऐसा मान रखिए कि आसानी से कट जाएगा जरूर ना जरूर ये कटेगा ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा ठीक ना तो उम्मीद होगी कि यह समझ में आ गया होगा आपको अब आगे बढ़ते हैं x का दूसरा वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहां पर रखते हैं हम माइनस टू क्या रखते हैं माइनस टू यदि रखते हैं तो क्या मिलता है जरा गौर से आप समझिए तो यहाँ पर हम लोग का मिलेगा वाई का मान माइनस टू रखते हैं तो सात दुनिया के चौदह यानी कि बड़ा वैल्यू फाइंड हो रहा है क्या हो रहा है बड़ा मान फाइन जो है कि मिल रहा है ना यदि हम लोग दो रखते हैं तो देखते हैं दो पे होता है या नहीं होता है दो रखते हैं तो छियालीस माइनस दो रखेंगे दो सते चौदह हो जाएगा बाटा में पाँच यहाँ पर आपका हो जाएगा दो हो जाएगा बत्तीस नहीं हो रहा है यानी कि आपको ऐसा मान रखना है ना कि आसानी से ये पाँच से डिवाइड हो जाए ठीक है चलिए तो यहाँ पर दो रखने पर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि हम लोग एक बार जरा तीन रख लें तो फिर तीन रखेंगे तीन सतस फिर तो वही प्रोसेस सेम चलेगा तो उससे कोई फायदा है नहीं दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं यहां पर यदि हम लोग माइनस टू रखें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा ठीक ना सोचना पड़ेगा तभी आपका होगा ऐसे होगा नहीं तो माइनस टू रखेंगे तो आपको कितना हो जा रहा है इसके बाद देखते हैं तो छियालीस और माइनस टू यह हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा साधुनिक है हो जाएगा पाँच हो जाएगा और छः चार दस को सुनना हो गया और चार एक पाँच एक हो गया साठ पाँच पाँच से कटाएंगे पाँच एक हम पाँच हो जाएगा पाँच दस कितना आया बारह यानी कि हम लोग यदि माइनस टू रखते हैं तो आसानी से फाइंड किया जा सकता है ठीक है यदि हम लोग कितना रखें माइनस टू रखें तो आसानी से मान निकाल सकते हैं तो ये आपका हो गया माइनस टू रखने पर यदि आपका आप जो है कोई और भी मान फाइंड कर सकते हैं यदि यहां पर आपका कोई और भी मान मिल रहा है कि रखने के बाद आसानी से पांच से कट जाए हल होने के बाद तो आप रख सकते हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया तीन पांच और ये हो गया माइनस टू और बारह तो अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे क्या बनाएंगे ग्राफ तो ग्राफ मैं थोड़ा फटाक से बना लेता हूँ क्योंकि ग्राफ बनाने में ज्यादा समय लग जा रहा है ठीक ना तो यहां पर मैं ग्राफ बना लिया हूं ये आपका एक्स एच का प्लस है और ये एक माइनस है का और ये आपका वाई एच का माइनस है और ये वाई एच का प्लस थोड़ा मैं छोटा बना दिया छोटा छोटा करके बना दिया ठीक ना अब यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे ठीक है तीन और पाँच यानी एक्स एच पे तीन यहाँ पर मैं नाम जो है कि मान अंकित नहीं कर रहा हूँ आप अंकित मान एक दो तीन करके कर लेंगे ठीक है एक्स एच पे तीन वाई एच पे पाँच एक दो तीन एक्स एच पे तीन हो गया वाई एच पे पाँच एक दो तीन चार पाँच यानी कि दोनों प्लस में है तो आपका पहले में यानी कि इसमें ग्राफ बनेगा आपका ठीक है ये ग्राफ आपका इसमें बनेगा यानी कि ये आपका बिंदु है ऐसे आप जो है कि इसको मिटा खींच लेंगे तो ये आपका एक बिंदु हो गया दूसरा है दस का मा जीरो दस का मा कितना है मेरे प्रिय छात्रों जीरो एक्स एच पे दस चलना है वाई एच पे जीरो वाई एच पे चलना ही नहीं है तो एक्स एच पे दस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और ये दस ये दस हो गया यानी कि ये आपका ग्राफ बना है दस कामा जीरो का और ये बना है तीन का मै कितने का पांच का ठीक है और दोनों बिंदुओं को आप क्या करेंगे मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को आप ऐसे क्या करेंगे मिलाएंगे स्केल रख करके मिलाएंगे थोड़ा आसान रहेगा ठीक है मेरे पास है नहीं चलिए तो मैं यहाँ से आपका चलिए मैं बाद में मिला लूँगा ठीक है तो फिर आपका खींचने में यदि गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ठीक है टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है अब यहाँ पर ये तो हो गया आप इसको अंकित कीजिए तीन का वा पाँच तो तीन का वा पाँच सेम आपका वहीं पर यहीं पर होगा अब इसके बाद है माइनस दो और बारह तो माइनस दो और बारह है यानी कि माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस इसमें आता है ना यानी कि इसमें ग्राफ बनेगा तो एक्स एस पे दो तो यहाँ पर दो हो गया वाई एस पे बारह तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और खींच लीजिए इसमें ठीक है तो बारह वाला ये हो गया यानी कि ये दो के सीध में आ जाएगा ऐसे ठीक यानी कि ये बिंदु हो गया कितने कितने का माइनस टू और बारह का तो ये समझ में आया अब मैं यहां पर देखिए ये दोनों बिंदु हैं, यानी एक ये बिंदु एक ये बिंदु तो इन दोनों बिंदुओं को मैं ऐसे क्या करता हूं टेढ़ा हो गया इसको आप सीधा ऐसे मिला लेंगे ठीक ना ऐसे आप रखेंगे ऐसे करते 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 ऐसे मिला लेंगे अब तो एक बिंदु मिल गया अब फिर इसका ये बिंदु है ना दोनों सेम यानी कि तीन पाँच दोनों में था तीन पाँच दोनों में था दोनों में वो घनिष्ट होगा ना तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा ऐसे आप इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए ये आपका हो गया यानी कि जो ये रेखा बने ये रेखा खींची गई है ये किस समीकरण का था इसका था ना यानी कि ये आपका रेखा रेखा जो खींची गई है फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इजक्वल टू फिफ्टीन यानी कि आपका पचास ये पाँच एक्स धन सात वाई बराबर पचास हो गया और ये जो आपकी रेखा खींची गई ये वाली जो रेखा खींची गई आप स्केल रखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आएगा ठीक है ना थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा ना ही गलत होगा आप स्केल से बनाएंगे तो ठीक है यानी कि आप ये जो है मेरे जैसा हाथ से बना दीजिए हाथ से बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो ये आपकी रेखा हो गई और ये जो आ, हाँ ये जो रेखा है आपकी समीकरण की है समीकरण दो नंबर की यानी कि ये जो है सात एक्स प्लस पाँच वाई बराबर कितने का है छियालीस का ये आपका पांच है तो उम्मीद मेरे छात्रों की जो मैं चीजें बताया हूं यानी कि ये जो आपका हो गया इतना और जो दोनों का कटान बिंदु है वही वैल्यू फाइंड होगा तो ये दोनों का कटान बिंदु ये है ना यानी एक्स एच क्या है वाई एच अच्छा। यानी पे तीन तो एक्स किस को माना गया था ध्यान दीजिए एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा था ना तो एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया माना गया था सौ रुपया माना गया था लेकिन X की जगह कितना फाइंड हुआ दोनों का आपका तो ये हो गया एक पेंसिल का मूल्य तीन रुपया देखिए एक कलम का मूल्य तो अब एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा अब देखिए एक कलम का मूल्य कितना y रुपया माना गया था ना कितना रुपया था y रुपया लेकिन y का वाला मान कितना आया है y का मान कितना फाइन हुआ है पाँच तो ये आपका हो जाएगा कितना पाँच रुपये यानी कि ये आपका हो गया क्या आंसर -so. तो उम्मीद हूँ मेरे प्रिय छात्रों जो आपका सोल्यूशन कराया गया है आपके लिए जो दो प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है और हाँ इसमें आपको ज़्यादा समय इसलिए लग रहा था क्योंकि इसमें आपको, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिख कर बताया भी गया है कैसे आप सोल्यूशन करेंगे और यहाँ पर जो है ग्राफ भी आपका बनाया गया है और हाँ उम्मीद हुई फ्रेंड्स जो मैं चीजें बताया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है स्टेप बाय स्टेप आपको जिस तरह से बताया गया है आप अपने रफ कार्य पे आप जो सॉरी फेयर पे आप जो है कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट फाइंड होगा ठीक है थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक नहीं होगा यहाँ पर स्केल से आप खींचते हैं तो ये तो मैं हाथी से खींचा हूँ कोई दिक्कत नहीं है आपको समझ में आ भी भी आ गया होगा कैसे जो है सोलूशन कराया जा रहा है स्टेप बाई स्टेप तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स जो मैं चीज़ें बताया हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आया और हाँ किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा जल्दी इसका फिर से सोल्यूशन कराया जाएगा और हाँ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो और हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी आपके फ्रेंड शेयर कीजिए और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगला वीडियो आपको दिया जाएगा प्रश्न नंबर तीन से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय